हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में। आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है, इसको यूज़ क्यों करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे जो हमें याद रखने हैं आइसबर्ग ऑर्डर यूज़ करते टाइम। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है, देखिए आइसबर्ग ऑर्डर एक स्पेशल ऑर्डर होता है जो लार्ज क्वान्टिटी ऑर्डर्स प्लेस करते टाइम यूज़ किया जाता है। ये आपके लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर को स्मॉल स्मॉल ऑर्डर्स में डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम लैग्स भी बोलते हैं। जब एक लैग एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ही दूसरी लैग एक्सचेंज में सेंड की जाती है फॉर द एग्जीक्यूशन। यूजुअली क्या होता है, जब भी ट्रेडर्स लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो मेनली उन्हें टू प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज इम्पैक्ट कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज फ्रीज क्वांटिटी। अब ये इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है, इमेजिन आप एक कंपनी के 10,000 शेयर्स बाय करना चाहते हैं। अब अगर आप ये फुल ऑर्डर एक ही बार में मार्केट में प्लेस कर देंगे तो इसके चांसेस हैं कि उसका प्राइस कुछ पॉइंट्स इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज दूसरे ट्रेडर्स एक बड़ा बाय ऑर्डर देखकर अपने आस्किंग प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं एंड वो बड़ा हुआ प्राइस ही इम्पैक्ट कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने 10,000 क्वान्टिटी का बाय ऑर्डर प्लेस करा एट मार्केट, सो द प्राइस वॉज ऑन 100 रुपीज़, बट आपके इस बिग ऑर्डर की वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुई एंड टोटल 10,000 क्वांटिटी का आपको एवरेज प्राइस पड़ता है 100 रुपीज़ 50 पैसे। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 0.5 विद 10,000, इट विल बी 5,000 रुपीज़। मतलब जहां आपने टोटल कॉस्ट अज्यूम करी थी 10 लाख रुपीज़, वहीं अब वो हो गई है 10,05,000 रुपीज़। दिस इज इम्पैक्ट कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं कि फ्रीज क्वान्टिटी क्या होती है। एक्सचेंजेस एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करते हैं कि बाय या सेल करते टाइम इस स्क्रिप्ट में इतनी ही क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं आप एक ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, निफ्टी की करंट फ्रीज क्वांटिटी है 1800, मींस अगर आपको 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको दो ऑर्डर प्लेस करने होंगे, वन फॉर 1800 एंड अनदर फॉर 200 क्वांटिटी। बट आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ करके आपको मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने की नीड नहीं होती, ये खुद ही आपके ऑर्डर्स को स्मॉल लैग्स में डिवाइड कर देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आइसबर्ग ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मैं अल्फा वेब पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी का फ्यूचर ऐड कर लिया है 4 अगस्त। बाय पे क्लिक करूँगा ताकि बाय विंडो ओपन हो जाए। बाय विंडो ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं क्वान्टिटीज़ की 25 का लॉट है। मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ 2000। ओके, अब मैं यहाँ पर लिमिट मैंशन करूँगा, लिमिट प्राइस 24700, जितने पे मुझे इसको बाय करना है। आइसबर्ग को चूज़ करूँगा एंड यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लैग्स मेंशन करने होते हैं। मैं यहाँ पे लैग मेंशन कर देता हूँ 5। देख सकते हैं 16 लॉट्स एंड 400 क्वांटिटी पर लैग। सो अब हमें इसको अगर बाय करना है, सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद आपके सामने ऐसी विंडो शो होगी, पेंडिंग के अंदर आपको ये ऑर्डर शो होगा, टाइप शो होगा लिमिट, क्वान्टिटी, प्राइस, टाइम एंड स्टेटस। स्टेटस इसका अभी ओपन है। तो आइसबर्ग ऑर्डर किस तरह प्लेस करें ये तो हमें पता चल गया है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें याद रखना ज़रूरी है जब भी हम आइसबर्ग ऑर्डर प्लेस करें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ईच लैग एक सेपरेट ऑर्डर है, जिसकी वजह से ब्रोकरेज भी पर लैग के अकॉर्डिंगली ही चार्ज होगी। मीन्स अगर एक आइसबर्ग ऑर्डर में 5 लैक्स हैं तो 5 ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली ही ब्रोकरेज आपकी चार्ज होगी। द सेकेंड पॉइंट इज़ अगर आप आइसबर्ग की 1 लैग को कैंसिल करते हैं तो रिमेनिंग पेंडिंग लैग्स भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी, और अगर फर्स्ट लैग का प्राइस आप मॉडिफाई करते हैं तो रिमेनिंग लैग्स का भी प्राइस मॉडिफाई हो जाएगा। देन द थर्ड पॉइंट इज़ इक्विटी में मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है एंड मिनिमम 5 लॉट्स हैं फॉर FNO। एंड द फोर्थ पॉइंट इज आइसबर्ग में मार्केट ऑर्डर एंड SLM मीन्स स्टॉप लॉस एट मार्केट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज आइसबर्ग ऑर्डर्स आप AMO प्री ओपन सेशन एंड पोस्ट मार्केट सेशंस में यूज़ नहीं कर सकते। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में और जानना चाहते हैं सो स्टे कनेक्टेड विद अवर YouTube चैनल। थैंक यू।